मकान बन जाते हैं कुछ हफ्तों में ही, ये पैसा ही कुछ ऐसा है। और बने बनाए घर टूट जाते हैं चंद पलों में ही, ये पैसा ही कुछ ऐसा है। बहुत गहरी बात है कि कुछ रिश्ते हैं इसलिए चुप हैं, और कुछ चुप हैं इसलिए रिश्ते हैं। सच्चाई है कि अहम जन में कम होता है, अहमियत उनकी उतनी ही ज़्यादा होती है। किसी संत ने कहा है कि परीक्षा संसार की लो, प्रतीक्षा परमात्मा की करो और समीक्षा अपनी। लेकिन अक्सर आप करते उल्टा हैं। परीक्षा आप परमात्मा की लेते हैं, प्रतीक्षा सुख की करते हैं और समीक्षा दूसरों की करते हैं। यही तो आपके दुख का कारण है। काश इंसान भी नोटों की तरह होते, रोशनी की तरफ करके देख लेते असली है या नकली। बहुत ही सुंदर वाक्य है कि शब्दों से खुशी और शब्दों से ही गम है, शब्दों से पीड़ा और शब्दों से ही मरहम है। दीपक का जीवन इसलिए वंदनीय नहीं है कि वह जलता है, बल्कि इसलिए वंदनीय है क्योंकि वह दूसरों के लिए जलता है, ना कि दूसरों से। बेहद ही खूबसूरत पंक्तियाँ जो किसी कवि ने लिखी है कि झांक रहे हैं इधर उधर सब, अपने अंदर झांके कौन, ढूंढ रहे हैं दुनिया में कमियाँ, अपने मन में ताके कौन। दुनिया सुधरे सब चिल्लाते, खुद को आज सुधारे कौन, पर उपदेश कुशल बहुतेरे, खुद पर आज विचारे कौन। हम सुधरे तो जग सुधरेगा, यह सीधी बात स्वीकारे कौन। प्रकृति का एक फैसला बड़ा नेक है कि मौत के बाद हर गरीब और अमीर का बिस्तर एक है। जिंदगी की कसौटी से हर रिश्ता गुजर गया, कुछ निकले खरे सोने से तो कुछ का पानी उतर गया। किसी संत ने कहा है कि कहीं मिलेगी जिंदगी में प्रशंसा तो कहीं नाराजगियों का बहाव मिलेगा, कहीं मिलेगी सच्चे मन से दुआ तो कहीं भावनाओं में दुर्भाव मिलेगा। तू चला चल राही अपने कर्म पथ पे, जैसा तेरा भाव वैसा तुझे प्रभाव मिलेगा। तू दौड़ में अव्वल आए ये जरूरी नहीं, तू सबको पीछे छोड़ दे ये भी जरूरी नहीं। जरूरी है तेरा दौड़ में शामिल होना, जरूरी है तेरा गिरकर फिर से खड़े होना। जिंदगी में इम्तिहान बहुत होंगे, आज जो आगे है वो कल तेरे पीछे होंगे। बस तू चलना मत छोड़ना, बस तू लड़ना मत छोड़ना। सच्चाई है कि जिंदगी हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है और जिंदगी की हर शाम कुछ तजुर्बे देकर जाती है। झूठ में आकर्षण भले होता है, पर स्थिरता तो सत्य में ही होती है। शब्दों का वजन तो बोलने वाले के भाव पर आधारित होता है, क्योंकि एक शब्द मंत्र हो जाता है तो दूसरा गाली कहलाता है। वाणी ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का परिचय देती है। बहुत खूबसूरत होते हैं वो रिश्ते जिन पर कोई हक भी ना हो और कोई शक भी ना हो। और एक सच्ची बात कि भाषाओं का अनुवाद तो हो सकता है, लेकिन भावनाओं का कभी नहीं। दिए का अपना कोई घर नहीं होता, इसे जहाँ रख दीजिए ये वहीं उजाला करता है। मनुष्य को भी ऐसा ही होना चाहिए। असली दोस्त गणितज्ञ होना चाहिए, जो खुशियों में गुणा कर दे, दुखों में भाग दे दे, बुराइयों को घटा दे और हमारे गुणों को जोड़ दे। जन्म निश्चित है, मरण निश्चित है, और अगर अच्छे कर्म हैं तो स्मरण निश्चित है। मोह इतना ना करें कि बुराइयां छिप जाएं, और घृणा भी इतनी ना करें कि अच्छाइयां देख ही ना पाएं। किसी को खुश करने का मौका मिले तो खुदगर्ज मत बन जाइएगा, क्योंकि बड़े नसीब वाले होते हैं वो लोग जो दे पाते हैं मुस्कान किसी के चेहरे पर। जैसे दूध का सार मलाई में है, ठीक वैसे ही जिंदगी का सार भलाई में है। और न जाने कौन सी शोहरत पर आदमी को नाज है, जबकि आखिरी सफर के लिए तो आदमी खुद औरों का मोहताज है। जीवन जितना सादा रहेगा
तनाव उतना ही आधा रहेगा। आप योग करें या ना करें, पर जरूरत पड़ने पर सहयोग जरूर करें। लोग तो कहते हैं कि खाली हाथ आए हो और खाली हाथ ही जाओगे, पर ऐसा नहीं है। लोग भाग्य लेकर आते हैं और कर्म लेकर जाते हैं। सच्चाई है कि अगर आपका कोई पुण्य ही नहीं, तो कोई व्यक्ति चाहकर भी आपकी सहायता नहीं कर सकता। अतः दूसरों को दोष देना या उन पर रोष करना अनीति है। कड़वी सच्चाई है कि नौकरी इंसान को उस मोड़ पर ले जाती है कि उसे अपने ही घर जाने के लिए दूसरों से इजाज़त लेनी पड़ती है।